अब जो तुम्हारा मनपसंद का कार्यकर्ता है जो जेल में था उस वक्त, अब नियम बदलो क्योंकि तुम्हारी सरकार है और नियम बदल करके और अब तो खाली प्रतीकात्मक फायदा लेते हैं, बाबा साहब की फोटो लगा लेंगे, बाबा साहब के जन्मदिन पर वहां पहुंच जाएंगे, मालाएं चढ़ाएंगे, बहुत करेंगे, इसलिए प्रतीकात्मक है। जो असली तो असली नेता तो हमारी बहन जी मायावती है ना, वही उठाई है सीटों पे हमारे, इनको मजबूरी में झक मार के SC ST के लोग ही लड़वाने, तो इसलिए गुलाम टाइप के लोगों को, अयोग्य लोगों को ये बुला करके टिकट दे देते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जिनको कुछ पता ना, आराम करने की साजिश है कि बीजेपी की बी पार्टी है, फलानी ढिकड़ी पार्टी है, तो अखिलेश यादव भी बी पार्टी है, वो भी सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने जिस तरह अभी जो चुनाव हुए थे, एक सीट बीजेपी ने बांट ली, एक सीट उन्होंने, वो इतनी भीड़ कहाँ से आई? इन मनुवादियों के RSS के लोग ही तो थे वहाँ, अभी जो 2 महीने पहले रैली हुई थी वो उन्हीं के लोग थे। बहन जी को देखिए, BST को खत्म करना चाहते हैं ये, हमारा जो SC ST का एकमात्र डायरेक्ट विकल है, डायरेक्ट दखल है इस देश की राजनीति में, SC ST का डायरेक्ट दखल है सिर्फ और सिर्फ BST के माध्यम से, बहन मायावती के माध्यम से, उसको ये खत्म करने को ये कह देंगे बीजेपी वाले आपको प्रधानमंत्री बनाना है NDA में, तो सीधे ये सब छोड़ छाड़ करके सीधे वहां आ जाएंगे। आपने देखा ना, जीते RJD के साथ पिछला विधानसभा चुनाव और चले गए उसके साथ बीजेपी का। एक दिल्ली का जो बेईमान आदमी है, सबसे भ्रष्ट कट्टर भ्रष्ट आदमी, कट्टर झूठा आदमी, कट्टर झूठा, कट्टर भ्रष्ट, कट्टर बेईमान आदमी केजरीवाल ने बाबा साहब की फोटो लगा रखी है अपने। क्या होती है उसके जो आरोपी थे पिछले 12-13 साल से जेल में बंद थे, अब उन अपराधियों को छोड़ दिया गया है बिहार सरकार द्वारा, एक रूल्स जो कारागार रूल्स में एक परिवर्तन कर उनको छोड़ दिया गया। देखिए ये जो गलत परंपरा चली है बीजेपी ने, जिस तरीके से उनको शाहबानों के हत्यारों को छोड़ा और उसके बाद, और उससे पहले जो UP मंत्री ने अपने केस वापस लिए, और उसके बाद अब आकर के ये जो घटना हो रही है कि इन्होंने एक DM के, दलित DM के हत्यारे को, उसको सजा याफ्ता, मुख्य बात है कि सजा हो रखी है कोर्ट से, कोर्ट ने प्रॉपर ट्रायल के बाद और सुप्रीम कोर्ट तक उस सजा को बरकरार रखा, और उसके बाद वो अपनी सजा काट रहा है, और सजा काटने के बाद अब बीच में सरकार है, अपने चाहने वालों को, अपने मनपसंद के जो उनके जो लोग हैं जो उनके काम आ सकते हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, दोषी हैं उसके कोर्ट की नजरों में, उनको अब आप छोड़ रहे हो कानून के नियम बदल बदल करके, आप उनको गुंडों को मवालियों को आप छोड़ रहे हो जिससे कि आपको लाभ मिल सके। देखिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आप एक वो सरकार हो जो वहां की बिहार की, जो लग रहा है कि भाई अब ये इनसे मनुवादियों से आपको लोहा लेंगे 2024, मगर आप इस तरह करेंगे कि दलितों के हत्यारों को या कमजोरों के हत्यारों को, महिलाओं के हत्यारों को अगर छोड़ा जाएगा तो फिर आप में और उनमें दूसरी पार्टी को क्या करेंगे? दलित अधिकारी बनता है कोई? दलित DM तो देखो हाँ, वही बड़ी मुश्किल से और बड़ी तकलीफ से, बड़े शोषण के बाद, अपमान के बाद, तकलीफों के बाद कोई वहां तक पहुंचता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ फिर भी कि हत्या तो हत्या है, अब वो चाहे जिसकी भी हत्या है उसके बाद आप इसको छोड़ रहे, कैसा ना ये प्रेसिडेंट इन्होंने वो सेट कर दिया है कि अब जो तुम्हारा मनपसंद का कार्यकर्ता है जो जेल में था उस वक्त, अब नियम बदलो क्योंकि तुम्हारी सरकार है और नियम बदल करके, और आप उसको फुल स्टेट का यही नुकसान है, पूरे स्टेट का यही नुकसान है कि मुख्यमंत्री या वहाँ कैबिनेट अपने बल पे बहुत सारे फैसले बदल सकती है नियम बदल करके, और वो वहाँ पर कर सकती है, इन्होंने बदल दिया उसको। पूरे देश में मायावती के अलावा कोई दलित नेता ने आवाज नहीं उठाई है इस पूरे मामले में। देखियो एक अकेली बहन जी तो बची है और है कौन अभी? BSP बहुजन समाज पार्टी है वही तो प्योर दलित पार्टी और दलित नेता है, और कौन बच्चा कौन है? अब तो खाली प्रतीकात्मक फायदा लेते हैं, बाबा साहब की फोटो लगा लेंगे, बाबा साहब के जन्मदिन पर वहां पहुंच जाएंगे, मालाएं चढ़ाएंगे, बहुत करेंगे, सिर्फ प्रतीकात्मक है। जो असली तो असली नेता तो हमारी बहन जी मायावती है ना, वही उठाएगी आवाज, और कौन उठाएगा? क्योंकि हमारे 131 जो है उन पार्टियों से वो तो आएंगे किसी हालत में आएंगे नहीं। जब हमारा रिजर्वेशन खत्म होता है निजीकरण के माध्यम से तब वो नहीं बोलते, जब हमारे वहां नियम कानून बदल के हमारे SC ST के कानून बदले जाते हैं, अधिकारों पे कुटाराघात होता है, जब वो 131 नहीं बोलते तो अब कहां से बोलेंगे? इन पार्टियों में कांग्रेस हो, BJP हो, इन पार्टियों में जो हमारे SC ST के लोग हैं वो तो गुलाम है, उनका तो कोई फायदा नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधि थोड़ी, इन पार्टियों के लोग है वो, तो इन पार्टियों को थोड़ी बोलेंगे, बोलेगी बहन मायावती, बहन जी बोलेगी, और कौन बोलेगा? इन पार्टियों में जो भी लोग हैं हमारे नहीं है, इन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उनसे तो शिकायत करनी, शिकवा करनी कोई फायदा नहीं। सामाजिक न्याय की बात करते तो यही सामाजिक न्याय है उनका? हाँ नहीं देखिये, बड़ी अफसोस की बात है किस परिसर में उन्होंने इसमें हामी भरी है, क्योंकि वो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना, उसमें उसमें राजपूत भी है उसमें। नहीं तो इन्होंने मिली भगत करके अपने कर लिए, इनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा सीधा दखल नहीं है। भारत की राजनीति में सिर्फ बीएसपी के अलावा हमारा कोई दखल नहीं है सीधा। ये पार्टियां सिर्फ इसलिए हमें रखती है क्योंकि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है हमारा, वो रिजर्व सीटों पे हमारे इनको मजबूरी में झक मार के SC ST के लोग ही लड़वाने, तो इसलिए गुलाम टाइप के लोगों को, अयोग्य लोगों को ये बुला करके टिकट दे देते हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जिनको कुछ पता ना हो संविधान कायदे कानून का, और जो इन्हीं की बातों में हाँ में हाँ मिलाए, तो इसलिए वो तो काम के लिए है। मोहन आनंद वो कह रहा मैं मायावती को जानता नहीं, कौन है मायावती? हाँ तो पता चल जाएगा 2024 में जब दोबारा जेल जाएगा, जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, अब की बार पक्का बनेगी, 50 से 60 सीटें लेकर के आएगी उत्तर प्रदेश में, और जो गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बनेगी 100% बनेगी, तो अभी पता चल जाएगा सारे जेल जाएंगे जितने भी हैं, और जिन्होंने अपने केस वापस लिए सबके केस वापस दोबारा से खोले जाएंगे सारे के सारे। सीमित हो गई है उत्तर प्रदेश में, देखिए भाजपा की टीम बताया जा रहा है उनको, ये सब कहने की बात है, अफवाह मनुवादियों ने अफवाह फैलाई है, और बहन जी को बदनाम करने की साजिश है कि बीजेपी की बी पार्टी है, फलानी ढिगड़ी पार्टी है, तो अखिलेश यादव भी बी पार्टी है, वो भी सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने जिस तरह अभी जो चुनाव हुए थे, एक सीट बीजेपी ने बांट ली, एक सीट उन्होंने ले ली, रामनगर की सीट दे दी, बताओ रामनगर की सीट दे दी बीजेपी को, इसलिए नहीं लगा रहे, प्रतीकात्मक है, वो लगाएंगे मजबूरी में, और ये कह रहे हैं कि जी और उल्टा, तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती डुबकी लगाना है, उधर पूजा कर रहे हैं, कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, उधर गालियां भी सुन रहे हैं, और उधर कह रहे हैं जी हम शुद्र नहीं है, हम फलाना नहीं है, उधर तिलक भी लगा रहे हो, उधर जनेऊ भी मांग रहे हो, उधर तुम सारे नाटक कर रहे हो, और उधर ये भी कह रहे हो कि हम शुद्र नहीं है। अरे भैया तुम ये शुद्र हो, इनके वहाँ वो शुद्र हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि शुद्र जंगल से नहीं पैदा हुए, तो भैया तुम वहीं से पैदा हुए, तुम इन्हीं हिंदूवादियों के हो, तुम हमारे नहीं हो, हमारी सिर्फ एक है BSP बहन जी बहन मायावती सिर्फ हमारे, उसके अलावा हमारा पॉलिटिकल कोई नहीं है, राजनीतिक आगे कोई नहीं, बिल्कुल है वो साबित नहीं किया, वो है पहले से और लगातार है, तो इसलिए हमारी वो हितैषी है दलितों की हितैषी, और एकमात्र SC ST की जो लीडर है बहन मायावती। कांग्रेस में RJD में JDU में दलित नेता आबादी है, देखिए मजबूरी है, वो तो गुलाम है, वो तो उनके उनके चमचे है, वो तो उन्होंने मजबूरी में अयोग्य रोग रखे हुए है, क्योंकि राजनीतिक रिजर्वेशन जब तक है तब तक रखा है, पार्टियां निकाल देंगी उनको बाहर कर देंगी, क्योंकि रिजर्व सीट पे SC ST का आदमी लड़ सकता है, और SC ST के आदमी को उनको ला करके ढूंढना, तो उन्हें योग्य आदमी नहीं चाहिए, ये पार्टियां अयोग्य चमचों को रखती है, उन्हीं को टिकट देती है, और वो चमचे बोलते नहीं है, जब निजीकरण होकर के हमारे अधिकार मरते हैं, आरक्षण मरता है, तो चमचे बोलते नहीं है, 131 गुलाम बैठे हुए वहां पर, चंद्रशेखर का कोई बयान नहीं आया इस पर, नहीं आया, वो तो उन्हीं का आदमी है ना, वो तो बहन जी को डिफीट करने के लिए बहन जी के खिलाफ वो नाटक कर रहा है वहां पर, अभी देखे ना मध्य प्रदेश में वो इतनी भीड़ कहां से आई, इन मनुवादियों के RSS के लोग ही तो थे वहां, अभी जो 2 महीने पहले रैली हुई थी वो उन्हीं के लोग थे, बहन जी को देखिए BSP को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारा जो SC ST का एकमात्र डायरेक्ट विकल है, डायरेक्ट दखल है इस देश की राजनीति में, SC ST का डायरेक्ट दखल है सिर्फ और सिर्फ BSP के माध्यम से, बहन मायावती के माध्यम से, उसको ये खत्म करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जो आरोप मोदी जी पे, अमित शाह पे, योगी जी पे लगते, तो वही काम तो नीतीश और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, देखिए सब एक है, कोई अंतर नहीं है, अभी नीतीश कुमार जी को ये कह देंगे बीजेपी वाले आपको प्रधानमंत्री बनाना है NDA में, तो सीधे सब छोड़ छाड़ करके सीधे वहां आ जाएंगे, आपने देखा ना जीते RJD के साथ पिछला विधानसभा चुनाव, और चले गए उसके साथ BJP के साथ चले गए, तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, और ये भी उसी तरह गुंडों को पालते हैं, मवालियों को पालते हैं, इनकी पार्टियों में भी इसी तरह के गुंडे मवाली हैं, जिन पे 30-30, 40-40, 50-50 केस है, तो कोई दूध का धुला नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो डायरेक्ट जो हमारा दखल है वो BSP है और बहन मायावती है, इसके अलावा कोई नहीं, हमारा दलितों का कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हमारी एक ही पार्टी, भारी नुकसान होगा इनको, इस गलतफहमी के शिकार बैठे हैं, इनको नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा, और ये एक का ये देखिए अभी 40 साजिश है, BJP को जिताने की साजिश है, नीतीश कुमार ने अपना दाव खेल दिया और इन सबको मिलाकर के गुंडे मवाली निकाल लिए, जो सजा याफ्ता मुजरिम थे, और लोगों के दिमाग में जाएगा भैया इससे तो BJP को ही दे दो, ये BJP को ही जिताने का सारा काम कर रहे हैं, सारा षड्यंत्र उसको सिंपैथी दिलाने का ये साजिश है, अंदर खाते सब मिले हुए हैं और ये सब BJP के साथ मिले हुए आपस में मुलाकात कर रही है, केवल मायावती जी को छोड़ के, मायावती जी को पता ना ये सब दगाबाज है, ये जनता से दगा
करेंगे एंड टाइम पर, ये बीजेपी को फायदा उठाए करेंगे, इसीलिए बहन जी को पता है, उनको पता है हम अकेले लड़ेंगे, अकेले हैं और अकेले ही लड़ेंगे, हमारा कोई नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो जीतेंगी कांग्रेस और वो, उनकी मजबूरी होगी बहन जी को जिताना, क्योंकि 50 सीटें लेके आ रही है उत्तर प्रदेश में बहन जी, हर हालत में जीतेगी, 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। और एक बात सुन लो, इसी जो चुनाव, छोटे चुनाव हो रहे हैं अभी, ये इसी में पता चल जाएगा कि बीएसपी का कितना जबरदस्त लहर वहां पर चल रही है अंदर का। बिल्कुल, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम मुस्लिमों को टिकट दे दिए गए हैं नगर निगम। ये अखिलेश यादव जो माननीय साहब की मूर्तियां लगा रहे हैं, क्या वजह है इसके? ये प्रतीकात्मक है, जैसे दिल्ली के जो चलिया, एक दिल्ली का जो बेईमान आदमी है, सबसे भ्रष्ट कट्टर भ्रष्ट आदमी, कट्टर झूठा आदमी, कट्टर झूठा, कट्टर भ्रष्ट, कट्टर बेईमान आदमी, केजरीवाल ने बाबा साहब की फोटो लगा रखी है अपने पीछे, उसी तरह ये भी प्रतीकात्मक काशीराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, काशीराम जी का वो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इन भ्रष्टों को, इन बेईमानों को हमारा पर मूर्ति लगाने से क्या फायदा है? उनके विचारों पर नहीं चलते अखिलेश यादव? बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, अरे केजरीवाल साहब ने फोटो लगा बाबा साहब की, अरे इस उन्होंने काशीराम मूर्ति लगाती, तो बहुत सारे हमारे मामूरत इनके प्रतीकात्मक चक्कर में इनको वोट दे देते हैं, उनको पता है 2-4% भी इधर उधर खिसक गए तो बहुत बड़ा फेरबदल होता है राजनीति में, तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक। और इन्होंने SC ST के लिए क्या किया है? जब ये अखिलेश यादव थे ना, उन्होंने क्या किया SC ST के लिए? कौन सी विशेष पॉलिसी की है? भारत के संविधान में हमारा आर्टिकल 330 से 342 तक हमारे विशेष अधिकार है हमारे लिए, उसमें बाबा साहब ने उसमें कहा है, उनको डायरेक्शन दिए सरकारों को कि SC ST के लिए विशेष कानून बनाओ, विशेष इनके लिए कल्याणकारी योजना है, रोजगार की योजना है, इनके लिए शिक्षा की योजना है लेके आओ। कौन सी सरकार विशेष काम करती है SC ST के लिए? कोई चीज नहीं करती है। तमाम लोग ये तमाम आपस में मिले हुए हैं सारे के सारे, और हमें आगे बढ़ करके हमें अपने पार्टी को, अपनी राजनीति को मजबूत करना बस।